नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे टिप्पणी। हमारी टेक्स्ट बुक में पीछे की साइड में 7 टिप्पणी दी गई है। टिप्पणी यानी कि शॉर्ट नोट। तो ये 7 में से ही बोर्ड में पूछी जा सकती है, तो इसलिए हमें ये 7 टिप्पणी एकदम बाय हार्ट करनी है, मतलब याद रखनी है। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे संचार माध्यम। संचार माध्यम का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो भी घटना बनती है, जो भी अच्छी घटना होती है, चाहे बुरी घटना होती है, चाहे कुछ भी नया संशोधन हुआ, कुछ भी हुआ, जो दूसरों को जानकारी देने के लायक घटना बनती है, वो हम किस माध्यम के द्वारा दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसका मतलब होता है संचार माध्यम। मतलब पूरी दुनिया में होने वाली घटनाएँ दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचाने को बोलते हैं संचार माध्यम। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीत जाता था। मतलब पहले के ज़माने के जो लोग थे ना, उनकी सब लिमिटेशन ही होते थे। वो उन्होंने जितना डिसाइड किया होता है उतना ही काम करते थे, उतनी ही जानकारी प्राप्त करते थे, वो आसपास का कुछ भी ध्यान देते नहीं थे। उसे अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का ही पता चलता था। ऐसे प्राचीन काल के जो मनुष्य थे ना, उनको इर्द गिर्द मतलब आसपास होने वाली, उन्हें अपने जो आसपास की जो घटनाएं घटती थी ना, जो भी होता था ना, वही पता चलता था, और कुछ पता चलता नहीं था। उस समय का विश्व अत्यंत छोटा था। उन लोगों को ऐसे लगता था कि हम जहाँ रहते हैं उतनी ही हमारी दुनिया है। धीरे धीरे उसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। फिर उनको लगा कि नहीं, कुछ नया होना चाहिए, इसलिए उन्होंने समूह मतलब ग्रुप बनाया। आपस में वो आसपास के लोगों के साथ, पूरे समाज के साथ ऐसे ग्रुप बनाना शुरू किया उन लोगों ने, और फिर एक दूसरे की जानकारी प्राप्त करने लगे। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुँचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। फिर क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसी जानकारी है जो सिर्फ हमारे पास है, वो दूसरों के पास जानी चाहिए, और दूसरे लोगों के पास जो जानकारी है वो हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए उस समय के लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम उसके लिए पशु का उपयोग करें, जिसमें धीरे धीरे बैलगाड़ी घोड़ों का उपयोग होने लगा। फिर वो क्या करते थे कि बैलगाड़ी के माध्यम से दूसरी जगह वो सब पहुंचाते थे, घोड़ों का भी उपयोग उसमें होने लगा। यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के अवसर बढ़ने लगे। साइकिल, मोटर ट्रक और ट्रक से अब जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती थी। फिर धीरे धीरे यंत्र युग आ गया। इसके लिए फिर उन्होंने सोचा कि चलो बैलगाड़ी और घोड़ों के माध्यम से थोड़ा समय लगता है, तो वो जानकारी जल्दी पहुंचाने के लिए उन लोगों ने साइकिल का, मोटर का, ट्रक का, इन सभी वस्तु का उपयोग करना शुरू, यांत्रिक वस्तु का उपयोग करना शुरू किया, और फिर अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी दूर दूर तक भेजने लगे। यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री से समाचार, कला तथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। पहले ये ऐसे जानकारी, फिर कई लोगों ने ऐसे खोजना शुरू किया कि अगर इस सामग्री को हम छापने लगे तो फिर मुद्रण मतलब छापने की कला का प्रवेश हुआ, और फिर ये लोग फिर छापने लगे और दूसरों तक पहुंचाने लगे। पिछले कुछ वर्षों में संचार के माध्यमों में छपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप में साहित्य फैलने लगा है। अभी हम देखते हैं कि कई सालों से हम लोग एकदम डिजिटल हो गए हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सामग्री आ गई है कि हम हमारे आसपास की होने वाली घटना, हमें जो नया कुछ सीखने को मिलता है,
हम वो पूरी दुनिया को बता सकते हैं, पूरी दुनिया को उसकी जानकारी दे सकते हैं और दूसरी जगह जो होता है उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफ़ी प्रगति होने लगी है। फिर जो हमारे उपग्रह है उनके माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी इन सब के द्वारा भी माहिती दूसरी जगह पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया, अब इंटरनेट का जमाना आ गया। क्षण भर का भी समय नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती है। फिर अब तो कंप्यूटर का युग आ गया तो इतना स्पीडी युग है जो छोटी से छोटी जानकारी 2 सेकंड में दूसरी जगह पहुंच जाती है। आज हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यमों के बारे में बात करेंगे। तो ये प्रचार प्रसार माध्यम कौन कौन से है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये सारे कंप्यूटर है, ईमेल है, इन सब के जरिए हम पूरी दुनिया की माहिती हम ले सकते हैं और हमारे आसपास की होने वाली माहिती दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये याद रखना है, इसका आपको PDF भी भेजा जाएगा और इसके लिए आपको ये फिर जो PDF मिल होगी ना उसमें से आपको ये नोट में लिखना होगा और ये 7 होंगी, 7 आपको एकदम याद करके रखना है। अस्तु।